जय भीम सर, समता आवाज चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका नाम सर? डॉक्टर अशोक मौर्य। सर, आज यहाँ पर जो बहुत चिंतनीय संविधान बचाओ महापंचायत कार्यक्रम 14 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा गया है, विज्ञान परिषद सभागार प्रयाग चंद्रशेखर पार्क के सामने आज ये कार्यक्रम जो रखा गया, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए सर। इसमें है कि लोगों में चेतना जगानी है कि कैसे लोग समझे कि क्या चीज जरूरियां हैं, क्या चीज परंपराएं हैं, और सही और गलत में भेद करना सीख जाए। इसी बात को बताने के लिए हमारे यहाँ पर विद्वान साथी आए हुए हैं, लोगों को बुलाया गया है कि कैसे आप भेद करेंगे क्या है। संविधान के बारे में भी लोगों को नहीं पता है संविधान क्या चीज है, संविधान ने हम लोगों को क्या मूल हक अधिकार दिए हैं, तो उन मूल हक अधिकारों को बताने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और संविधान के माध्यम से ही सब कुछ मिलता है, बाकी दूसरा कोई देने वाला नहीं है। इसलिए संविधान रहेगा सुरक्षित तो सब कुछ मिलेगा। तो सर, लेकिन संविधान को ना मान करके लोग आडंबर में फंसे हुए हैं। कोई भी त्योहार इधर आ रहा है, तमाम जो अंधविश्वास वाला त्योहार है, उसी आडंबर त्योहार में लोग आज फंसे हुए हैं, और उसी के चलते हमारा बहुजन समाज पीछे है। क्योंकि संविधान अगर पढ़ लेगा तो जागरूक हो जाएगा, और संविधान नहीं पढ़ रहा है उसे आडंबर फैलाने के लिए लोग जगह जगह घूमते रहते हैं। और कोई गाड़ी खरीद रहा तो उसमें बताएंगे आप ये काम कर लीजिए, घर बनवा रहा तो ये काम कर लीजिए, तब प्रवेश करिए। लेकिन उसी संविधान की जगह पर अगर कोई समझाने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके बारे में भी मार्ग बताइए। जी सर, क्या है कि लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता कि त्योहारों का क्या रहस्य है। अभी नजदीक होली आने वाला है, होली में एक नारी को कब तक जलाया जाता रहेगा, और उसका कोई अपराध भी नहीं बताता कि उसका कोई अपराध रहा हो, अपराध भी नहीं बताया जाता, सिर्फ ये कहा जाता है कि उसने भगवान का नाम नहीं लिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि अग्नि का स्वभाव होता है लोगों को जलाना। आज जो सबसे बड़े भक्त हैं उनको भी अग्नि में डालता हूँ और देखता हूँ कि भगवान का नाम लेने के बाद जलते कि नहीं जलते। तो अग्नि का काम जलाना इसमें चाहे तो कोई चाहे, चाहे राम भक्त जाए और चाहे राम भक्त न जाए, तो कोई भी भक्त जाएगा अग्नि काम है जलाना, और सबको जलाएगी। ये कैसे हो सकता है कि प्रहलाद उसमें निकल आए और होलिका जल जाए, ये संभव नहीं है। ये सब झूठे आडंबर है, हमारे लोग तर्क नहीं करते किसी बात पर, इसीलिए उसमें फंस जाते हैं। ये एक रहस्य है, लोगों को उलझाया गया है। जो लोग तर्क नहीं करते, आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद भी पढ़ लिख करके तर्क नहीं करता, वो परंपराएं जैसी चली आ रही बस वैसे चला चला जाता है, उस पर विचार नहीं करता कि क्या है इस त्योहारों का रहस्य। कीचड़ गोबर फेंकना, एक दूसरे को गाली बकना, दारू पीना, आजकल तो त्योहारों पर वह हालत बना दिया गया है कि हमारा नवयुवक पूरी तरह से फंसे रह गया है। धूम धड़ाका करना, सब जाता नशाखोरी में डालना उसको, तो ये त्योहार जितने भी हैं बनाए हुए हैं ये गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है लोगों को, हमारे नवयुवकों के सामने, और हमारा नवयुवक उसमें फंस करके घुमा चौकड़ी करता है, उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं करता और सही चीज जान नहीं पाता। सर, यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसे भी वक्तागण आए हुए हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो पूर्ण रूप से अभी भी आडंबर में उनके घर के परिवार लोग फंसे हुए हैं। ऐसा मुझे अभी मैं गया हूँ, एक लोग टीका लगा के आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर बहुजन समाज से हैं, अपने महापुरुषों संतों गुरुओं को मान रहे हैं, लेट ही सही जब से ही मान रहे हैं, तो उसके बारे में अभी तमाम यहाँ पुस्तकें बिक रही है, उस पुस्तक को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो इतना बड़ा विरमास हो जाएगा, इसमें कहने की बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कैसे असंभव होगा सर? ये संभव धीरे धीरे करके होगा। हमने भी जब पहली बार इस तरह की बातों को सुना था तो एक बार में सहसा विश्वास नहीं आया था कि वो सही है कि ये सही है, लगा कि नहीं यार ये लोग।